हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन हियर इज, सपोज यू आर राइडिंग ए स्टेशनरी एक्सरसाइज बाइसाइकिल एंड द इलेक्ट्रॉनिक मीटर इंडिकेट्स दैट द व्हील इज रोटेटिंग एट 9.1 रेडियन पर सेकेंड। द व्हील हैज ए रेडियस ऑफ 0.545 मीटर। इफ यू राइड द बाइक फॉर 35 मिनट, हाउ फार वुड यू हैव गन इफ द बाइक कुड मूव। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमारे पास एक हमारा एक बाइसाइकिल है जिसमें उसका रोट व्हील का रोटेटिंग का एंगुलर स्पीड दिया गया है और उसका रेडियस भी दिया गया है। तो अगर हम 35 मिनट के तक चला रहे हैं, मतलब 35 मिनट्स तक हम बाइक राइड कर रहे हैं, तो हमारा बाइक कितना दूर चला होगा? ओके, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, हमारा एक एक व्हील में इन वन टर्न कितना रास्ता हम चलते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर दैट इज 2 पाई आर के बराबर। ओके, और हमें क्या पता है, ओमेगा इक्वल्स टू वी अपॉन आर। ओके, तो यहां से हम क्वेश्चन करेंगे। सो क्वेश्चन में देख लेते हैं हमें क्या बोला गया है। हमारे पास मान लो एक ऐसा व्हील है, ओके, और ऐसे हम एक ऐसा व्हील है, तो ऐसे बाइक हम रन कर रहे हैं। तो ये अगर ये व्हील का अगर रेडियस दिया गया है, कितना दिया गया है, 0.45, और रोटेटिंग और एंगुलर स्पीड दिया गया है 9.1 रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो हमें हमें क्या पता है, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी के बराबर। उसका मतलब थीटा हमारा कितना कितना वो रोटेट किया होगा, हम ये निकाल लेते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू 9.1 सेकेंड में इन वन सेकेंड थीटा हमारा कितना हो जाएगा, थीटा इंटू ओमेगा इक्वल्स टू टी, ओमेगा इंटू टी, तो ओमेगा कितना है, 9.1 रेडियन पर सेकेंड इंटू वन सेकेंड। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 9.1 रेडियन। तो थीटा हमारा एक सेकेंड में 9.1 कवर कर रहे हैं। सो इन 35 मिनट्स वी विल कवर कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हमारा हो जाएगा 9.1 × 35 × 60। ओके, इतना हमारा वैल्यू ऑफ, ये क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हम क्या अभी क्या निकाल लेंगे, हमारा अगर थीटा का वैल्यू इतना है, मान लो एक टर्न में हम कितना कवर कर लेते हैं, ये निकाल लेते हैं। हमारा रेडियस तो पता है, कितना दिया गया है, हमारा रेडियस रेडियस हमें दिया गया है 0.45। ओके, सो इन वन टर्न टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर। इसका मतलब 2 × 3.14 × r हमारा कितना है, 0.45। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, हमारा आ जाएगा 2.826 मीटर। ओके, इतना हमारा डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं एक टर्न में। तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो इतना है, तो एक टर्न में हमारा इन वन टर्न हम कितने डिस्प्लेसमेंट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन टर्न, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन टर्न कितना होता है, 2 पाई का, क्योंकि एक टर्न में 2 पाई का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये वाला में कितना टर्न, कितना नंबर ऑफ टर्न हम निकाल लेते हैं, 2 पाई × n, n यहाँ क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन, इक्वल्स टू 9.1
इंटू 35 इंटू 60, ओके। यहाँ से n क्या वैल्यू आ जाएगा, 9.1 इंटू 35 इंटू 60 अपॉन 2 इंटू 3.14, ओके। इतना नंबर ऑफ टर्न हो गया, तो ये हमारा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा टर्न आ जाएगा 3043 नंबर ऑफ टर्न्स, ओके। तो इतना टर्न के लिए हम मूव कर रहे हैं, तो एक टर्न में हम 2.86 मीटर मूव कर रहे हैं, तो इतना नंबर ऑफ टर्न, 3043 नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हम कितना मूव करेंगे, तो वो निकाल लेते हैं। सो टोटल डिस्टेंस कवर, सो टोटल डिस्टेंस कवर इक्वल्स टू 3043 इंटू 2.86826 इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, ये 8600 मीटर। सो आवर ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।